दोस्तों अनुपम खेर के शो पर शाहरुख खान से एक बार ये सवाल पूछा गया था। कभी ये ख्याल आता है कि वन डे आपकी ये शोहरत किसी और के नाम होगी, कोई आपसे ज्यादा कामयाब होगा, कोई किसी और का नाम सुर्खियों पे होगा, कभी ये ख्याल आता है? तो इस पर शाहरुख खान ने जवाब दिया, ऐसा होगा नहीं। I'll tell you honestly, I'm the last of the stars. हालांकि 2023 की शुरुआत में आज भी शाहरुख खान एक सुपरस्टार है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ये प्रिडिक्शन सच साबित होती है। दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड में सुपरस्टार कल्चर की शुरुआत हुई थी राजेश खन्ना से, लेकिन जब आप बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना की लाइफ के बारे में देखते हैं तो उनके सामने शाहरुख खान का स्टारडम कहीं ना कहीं फीका लगने लगता है, लेकिन साथ ही दोनों की लाइफ में कई सिमिलरिटीज भी है। राजेश खन्ना एक साधारण फैमिली से बिलोंग करते थे जिनकी एक टैलेंट हंट प्रोग्राम के जरिए बॉलीवुड में एंट्री हुई थी, लेकिन अपनी पहली ही फिल्म आराधना के जरिए उन्होंने लोगों के दिलों में जगह बना डाली। आराधना के बाद 1970s से लेकर 1975 तक जितनी भी उनकी फिल्में आई वो सभी सुपरहिट थी। उनकी सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ रही थी। वो जिस भी फिल्म को छूते वो सोना बन जाती। डायरेक्टर्स उनसे फिल्में साइन करवाने के लिए लंबी लाइन लगाकर वेट करते रहते। एक के बाद एक उनकी 15 फिल्में ब्लॉकबस्टर थी। वही सारी दुनिया उनके लुक्स और अंदाज की दीवानी हो गई। फैंस के बीच उनका क्रेज सुनकर आप चौंक जाएंगे, ना तो राजेश खन्ना से पहले ना बाद में उन जैसा स्टारडम किसी को मिल पाएगा। लड़कियां उनकी फोटो से शादी कर लेती थी, उनकी कार की धूल से मांग भर लेती थी। लोग कहते हैं कि राजेश खन्ना जब अपनी व्हाइट कार लेकर निकलते थे तो वो लड़कियों की लिपस्टिक से पिंक हो जाती थी। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि लाइफ इज नॉट फेयर, जिंदगी कब क्या करवट लेती है किसी को कुछ नहीं पता। यही हुआ, 70s के लास्ट तक आते आते लोग रोमांटिक फिल्म से ऊब चुके थे और यही एंट्री होती है अमिताभ धर्मेंद्र जैसे लंबे चौड़े एक्शन हीरोज की। अमिताभ बच्चन यानी बिग बी की स्ट्रगल स्टोरी भी अपने आप में अनोखी है। जहां लोगों को उनके छोटे कद की वजह से दिक्कतें होती थी, वहीं अमिताभ को अपने लंबे कद की वजह से रिजेक्ट किया जाता था। डायरेक्टर्स उन्हें फिल्म में मौका देना तो दूर, उन्हें लंबू कहकर निकाल देते थे। बॉलीवुड के एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन ने 1969 में अपने करियर की शुरुआत की। मौलाना मजरुल हक और जयप्रकाश नारायण की जाय पैदाइश बिहार से, अनवर अली अन। लेकिन सक्सेस मिलना तो दूर, उनकी लगातार 12 फिल्में फ्लॉप रही। उन्हें 30 की उम्र में एक फेल्ड न्यूकमर के रूप में देखा जाने लगा। शायद ऐसा कह सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जैसे हीरो के लिए उस समय ऑडियंस तैयार नहीं थी। उनको अपनी पहली हिट फिल्म के लिए 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा और फिर आई उनकी फिल्म जंजीर, जिसने अमिताभ बच्चन की किस्मत पलट कर रख दी। फिल्म बेहद बड़ी हिट साबित हुई। इसके बाद अमिताभ बच्चन के नाम हिट मूवीज की झड़ी लग गई। 1981 वो साल था जब उनकी लगातार 6 फिल्में गोल्डन जुबली हिट थी। 1975 से लेकर 1985 की शुरुआत तक बच्चन बॉलीवुड के बादशाह थे। वो एक ऐसा दौर था जब उनकी फिल्में साउथ में रीमेक हो रही थी और सुपरहिट भी। लेकिन 1982 में कूली मूवी की शूटिंग के दौरान लगी एक चोट उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। चोट इतनी ज्यादा सीरियस थी कि इसमें अमिताभ बच्चन मरते मरते बचे थे। इस चोट के कारण अमिताभ ने फिल्मों से कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया और इसी ब्रेक के दौरान उन्होंने अपना हाथ राजनीति में आजमाया और फिर पूरे 3 साल के ब्रेक के बाद वो फिर से मूवीज की ओर लौटे। लौटकर उन्होंने सहनसा जैसी बड़ी हिट फिल्म दी, लेकिन अब उनके स्टारडम में वो बात नहीं थी और धीरे धीरे उनका स्टारडम गिरने लगा और फिल्में फ्लॉप होने लगी। तो उन्होंने 5 साल का एक और गैप लेने का डिसाइड किया और इस दौरान उन्होंने एक टैलेंट हंट कंपनी ओपन की, लेकिन वो बर्बाद हो गई। इस कंपनी की वजह से उन पर हजारों केस हो चुके थे। कंपनी का घाटा इतना बड़ा था कि बच्चन साहब ऑलमोस्ट दिवालिया घोषित हो चुके थे। कहा जाता है कि इस दौरान अंबानी फैमिली ने उनकी बहुत मदद की और उन्हें केबीसी जैसा शो भी मिला, जिससे उनकी आवाज घर घर तक पहुँचने लगी। धीरे धीरे वो फिल्में करने लगे और उनकी लाइफ भी पटरी पर लौट आई। लेकिन जो शुरुआती समय में उन्होंने स्टारडम देखा था वो दोबारा कभी नहीं लौट पाया। दोस्तों जब अमिताभ बच्चन का स्टारडम कहीं खो रहा था, तभी बॉलीवुड में एंट्री होती है तीनों खान्स की। 1988 में आमिर खान की कयामत से कयामत तक मूवी रिलीज हुई और उसके अगले ही साल 1989 में आई सलमान खान की मूवी मैंने प्यार किया। ये एक ऐसा वक्त था जहां लोग अब एंग्री यंग सिनेमा से थक चुके थे, उन्हें कुछ फ्रेश चाहिए था और ये मूवीज एक ताजा हवा के झोंके की तरह आई, जिसमें यंग और नए चेहरे थे। आमिर और सलमान अपनी पहली फिल्म से ही स्टार बन चुके थे। तब तक शाहरुख खान दूरदर्शन के सीरियल्स में काम किया करते थे। शाहरुख खान ने 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में डेब्यू किया। वो तीनों खान में लास्ट डेब्यू करने वाले खान थे और अब फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री हो चुकी थी बॉलीवुड के बादशाह की। फिल्म इंडस्ट्री में बिना किसी पहचान और कनेक्शन के शाहरुख खान अपनी पहली फिल्म से सिल्वर स्क्रीन पर छा गए। मिस्टर शाहरुख खान, दिस वन फॉर यू मैम।
वो एक सच्चे आउटसाइडर थे। उस समय बॉलीवुड की कुछ ऐसी सिचुएशन थी, अगर कोई बंदा विलेन का रोल करता है तो उसे कभी हीरो का रोल मिलता ही नहीं था, और इसी वजह से कोई भी बड़ा हीरो नेगेटिव रोल करता ही नहीं था। लेकिन शाहरुख खान एक के बाद एक नेगेटिव रोल करके फिल्मों में छा रहे थे। डर, बाजीगर और अंजाम जैसी कई फिल्मों में नेगेटिव रोल करना एक बेहद ही रिस्की काम था, और वो भी उसके लिए जिसने अभी अभी डेब्यू किया हो। इन सभी नेगेटिव भूमिकाओं ने भी शाहरुख खान के फेवर में काम किया। करियर के शुरुआत से ही उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बना ली थी, और ये एक ऐसा समय था जब तीनों खान पैरेलली ग्रो हो रहे थे। लेकिन 1992 से 2010 तक शाहरुख खान ने अकेले ही बॉक्स ऑफिस पर राज किया। वैसे शाहरुख खान ने एज एन एंटी हीरो फिल्मों में काम करना शुरू किया था, लेकिन फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे ने उनका करियर और जिंदगी दोनों बदल डाली। शाहरुख खान पर्दे पर राज बनकर आए और लोगों के दिलों पर राज करने लगे। उन्होंने NRIs का भी भारतीय फिल्मों में इंटरेस्ट जगाया, और आउटसाइड इंडिया भी वो एक रेज बन गए। इस फिल्म ने उन्हें एज ए रोमांटिक हीरो एस्टेब्लिश कर दिया। दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है मैं राहुल से लेकर मोहब्बते का राज हो या फिर कल होना होगा अमन माथुर, इन सारी रोमांटिक मूवीज ने उन्हें लड़कियों का चितचोर बना डाला। इसके बाद वीर जारा, पहेली, चक दे इंडिया, देवदास, डॉन, स्वदेश जैसी फिल्मों से शाहरुख खान ने अपनी वर्सेटाइल एक्टिंग कैपेबिलिटीज का दुनिया के सामने मुजाहिरा किया। लेकिन शाहरुख खान का स्टारडम सिर्फ उनकी मूवीज की वजह से नहीं है, फिल्मों के बाहर वो एक बेहद ही डाउन टू अर्थ इंसान है। शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से लोग उन्हें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। And I don't know if I'm a good actor or not, if I act well, if I do well or not, but I I'm very humble about the fact that so many people like me and I'm very very grateful. Lekin 2009-10 ke baad logon mein romantic movies ka craze khatam hone laga. Audience dheere dheere mass aur content oriented filmon ki taraf shift hone lagi. And Shahrukh Khan ne bhi apne role ke sath kai experiment karna shuru kar diye. Lekin itni sari movies mein itne different role karne ke bawajood koi bhi movie acche se perform nahi kar payi. Isi beech 2009 mein aayi Salman Khan ki film Wanted. Is movie ne Salman Khan ke career ka pura graph badal dala. Is movie ke baad तो सलमान खान एक ब्लॉकबस्टर मूवी मशीन बन गए। सलमान खान की इस मूवी ने मास एंटरटेनर फिल्मों के गैप को फिल किया। उनका इतना भोकाल मच गया कि उनकी फिल्में सिर्फ उनके नाम से चलने लगी। इन्हीं सभी के बीच 2008 में आई आमिर खान की फिल्म गजनी ने बॉलीवुड में 100 करोड़ क्लब की शुरुआत की। इसके बाद 2009 में आई थ्री इडियट्स ने आमिर खान को बॉलीवुड का मिस्टर परफेक्टनिस्ट बना डाला। आमिर खान की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज में टॉप 10 में से 4 से 5 फिल्में आमिर खान की है। लेकिन 2008 के बाद धीरे धीरे तीनों खान्स का स्टारडम भी विलुप्त होता नजर आ रहा है। 1992 के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है जब तीनों की फिल्में फ्लॉप हो गई हो। कोविड, सोशल मीडिया और साउथ फिल्म्स ने मिलकर आग में घी का काम किया है। न्यू एक्टर्स जैसे वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह फेमस तो है, लेकिन इनमें वो चार्म नहीं है जिससे ऑडियंस थिएटर की तरफ खींची चली आए। लोगों को अब एक्टर से ज्यादा करेक्टर में इंटरेस्ट है। बॉलीवुड बिकम्स अ किंगडम विदाउट अ किंग, और हो सकता है कि शाहरुख खान की भविष्यवाणी सच हो और वो बॉलीवुड के आखिरी सुपरस्टार बन जाए, और हो सकता है कि बॉलीवुड के सितारों के प्रति लोगों का पागलपन अब दोबारा कभी दिखाई ना दे।